पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कान्हा नेशनल पार्क से सटे ग्राम पंचायत टिकरिया के बैगा नगरी से आदिवासी परिवारों का एक जत्था सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। यहां पर उन्होंने घुरार नाला में जलाशय निर्माण को लेकर वन विभाग के द्वारा बनाए जा रहे विस्थापन के दबाव का विरोध किया और शासन प्रशासन से मांग की है कि उनके विस्थापन पर तत्काल रोक लगाई जाए। आदिवासी परिवारों का कहना है कि किसी भी कीमत पर वे जलाशय के विस्तार के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे और न ही अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र स्थान पर विस्थापित होना पसंद करेंगे। बताया गया कि यहां पर वे पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, खेती और घर बार सब कुछ उजड़ जाएगा, जिसे वे अन्यत्र जगह प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है ताकि उनके विस्थापन पर तत्काल रोक लगाई जा सके। इस दौरान ग्रामीण जनों के अलावा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से सीताराम उइके और गोंड समाज महासभा के जिला अध्यक्ष राधेलाल मरस्कोले सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत बैहर से सटा हुआ ग्राम जो बैगा नगरी है, जो आज़ादी के पहले से वो गांव वहां पे बसा हुआ है, जिसमें हमारे पुरखों की यादें, उस गांव से हमारा नाता है। हम उस गांव में जो गुराड़ नाला है, मतलब उस गांव के ऊपर जो गुराड़ नाला है, उस गुराड़ नाला में डैम बनाने का जो प्रस्ताव शासन प्रशासन के द्वारा जो रखा गया है, उसके सर्वे भी कराया गया है, परंतु हम गांव वालों के माध्यम से उसके सर्वे होने से हम लोग मना कर दिया गया है। उसके बाद भी शासन प्रशासन अगर उसमें डैम बनाने की आगे की कार्रवाई अगर करता है, इस वजह से वो कार्रवाई ना हो, इस उद्देश्यों को लेकर के हम लोग यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी और कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वहाँ गुराड़ नाला के ऊपर स्टाम्प डैम ना बने और हम ग्रामवासियों को वहाँ पे विस्थापन होने से बचाया जा सके। और हमें वहाँ बांध नहीं चाहिए सर, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो खेत बाड़ी मकान है सर, उसमें पूरा डूब रहा है, और जिससे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम लोग सारा आज तक जितना भी कमाए ना सर, हमने पूरा अपना खेती में लगा दिया कि हमारा खेती अच्छा होगा तो हमारा विकास होगा, और सरकार अगर हमें उठा के अगर किसी और ज़मीन में भिजाएगी तो हम इतना तरक्की नहीं कर पाएंगे सर। एक तो वहाँ पर खेती पर ही निर्भर है वहाँ के किसान, और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। कितने लोग रहते हैं बैगा नगरी में? बैगा नगरी में सर 70-75 मकान है, पूरा बैगा नगरी डेंडवा मिला के उनकी पूरी ज़मीन वहीं पर आती है सर। ये जो मुद्दा लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, ग्राम बैगा नगरी जो कि टिकरिया पंचायत के अंतर्गत में एक ग्राम है, वहाँ पर एक गुरार नाला है, उसके अंतर्गत में एक बांध बनने का प्रस्ताव पारित लगभग हो चुका है, वहाँ पर सर्वे वगैरह कुछ बार हो चुके हैं, और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वो बांध ना बने, वहाँ के लोग बेघर ना हो, वहाँ के लोग इधर उधर ना बिखरें। ओबीसी महासभा के छात्र इकाई ने आज छात्रवृत्ति सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ महासभा के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत रैली निकाल कर की, जो कि काली पुतली चौक, अवंतीबाई चौक, जयस्तंभ चौक से होकर अम्बेडकर चौक पहुंची। यहां पर छात्र छात्राओं ने करीब 15 मिनट तक चक्का जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान ओबीसी छात्र महासभा के अध्यक्ष राजा नकपुरे, ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी, बिरसा के अध्यक्ष हेमेंद्र साहू, राजेश मरार, जयकृष्ण सहित ओबीसी महासभा के अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के महाविद्यालयों में कोरोना संकट काल से अब तक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है। कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। एनसीसी और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी जिले के कई कॉलेजों में नहीं है। वही अतिथि विद्वानों की कमी के चलते उनके पठन पाठन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसी को लेकर आज उन्होंने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया। मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है और आपको बता दूं कि लगभग डेढ़ माह पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हीं के जिले के आज ओबीसी वर्ग के छात्र छात्रा और अन्य छात्र छात्रा सड़क पर निकल के आंदोलन कर रहे, चक्का जाम करने मजबूर हो रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गौरी शंकर बिसेन जी पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष बनकर बालाघाट जिले में आए थे, उन्होंने एक सफेद झूठ बोला था। वो सफेद झूठ यह था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले में भी मृतक किसानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही घटना के दोषी केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त कर उनके पुत्र पर हत्या का मुकदमा कायम किए जाने की मांग की गई। युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता ने कहा है कि आज सर्व समाज की ओर से हनुमान चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल में मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने किसानों के काफिले पर वाहन चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारा है, यह सरकार के तानाशाही रवैये का नतीजा है। ऐसी बर्बरता को देश का किसान और युवा अब बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को एक दिन देश के किसान जरूर उखाड़ कर फेंक देंगे। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को एक दिन देश के किसान और युवा जरूर उखाड़ कर फेंकेंगे। इस मौके पर उनके अलावा राजेश मरार, सौरभ लोधी, जयकृष्ण, इमरान खान, आरिफ खान, जीतू बर्वे सहित अन्य युवा भी मौजूद रहे। और सभी संगठनों द्वारा बालाघाट के युवा साथियों के द्वारा, जिनमें माननीय राजेश मरार जी, हमारे सौरभ लोधी जी के साथ साथ बहुत सारे संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस तरीके से भारत के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा किसानों के साथ में बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है, उसके विरोध में हम सभी युवा साथियों द्वारा यह आह्वान किया गया है कि एक वर्ष से जो यह आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को किसान जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उनकी सरकार द्वारा जो गूंगा और बहरापन व्यक्त किया जा रहा है, ये मुझे एहसास होने लगा है कि जिस तरीके से लगभग अभी तक इस आंदोलन के अंदर 700 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके बाद भी पूंजीपतियों की ये सरकार उनकी शहादत को व्यर्थ करने पर उतारू है। हम सभी युवा साथियों का कहना है कि तत्काल उन काले कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की जायज़ मांगों को पूर्ण किया जाए, क्योंकि किसानों ने अब ये ठान लिया है कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा, और इस संघर्ष में बालाघाट की युवा शक्ति भी इस संगठन में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर तत्पर रहेगी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को संयुक्त तौर पर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शहर कांग्रेस नेता श्याम पंजवानी, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, कांग्रेस नेता रहीम खान ने कहा है कि लखीमपुर की घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के खिलाफ सबसे पहले सांप्रदायिक दंगा और किसानों को धमकी देने का मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। उनके बेटे के द्वारा जिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई है, उसके लिए हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जाँच होना चाहिए। ऐसी ही मांगों को लेकर आज कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। श्याम पंजवानी ने कहा है कि केंद्र की सरकार और योगी सरकार लगातार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। लखीमपुर खीरी की घटना भी इसका परिणाम है। इसी को लेकर आज उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री को पद से हटाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा।
मिश्रा टोनी हैं उनके खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने, किसानों को धमकी देने का मामला दर्ज किया जाए। उनके बेटे द्वारा जो हत्या का प्रयास किया गया और जो गाड़ी चलाकर किसानों को कुचलने का प्रयास किया जिसमें 6 किसान मारे गए, उनके खिलाफ धारा 302 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि इस पूरे प्रकरण की जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाकर जाँच की जाए। साथ ही हमारी यह भी मांग है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर भी जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, किसानों का दमन करने, कुचलने के मामले में जो है सरकार को बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तानाशाह रवैया अपनाते हुए लगातार जितने भी कार्यक्रम है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी द्वारा, शहर कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा, जिला कलेक्टर के महोदय से राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए कि तत्काल जो मिनिस्टर है उसको तत्काल पद से हटाया जाए और जो उनका बेटा है जिसने किसानों को सोची समझी साजिश के तौर पर हत्या की गई, हम हत्या माने जा रही है इसको, उसको 302 का मुकदमा किया जाए और योगी आदित्यनाथ को सरकार को जो कि इनको संरक्षण दे रही है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं।